स्वागत है दोस्तों चेक पॉइंट फायरवॉल की हमारी इस नई सीरीज में। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं चेक पॉइंट फायरवॉल से। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे चेक पॉइंट फायरवॉल हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजीज इसमें है, क्या सर्टिफिकेशन एक चेक पॉइंट फायरवॉल को कम्प्लीट करने के लिए यूज होते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम डेप्थ में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैंने एक डायग्राम पेस्ट किया हुआ है एक स्मॉल यूटीएम बॉक्स का। तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं इस डायग्राम के पोर्ट्स के बारे में जानकारी दूंगा, बट एज ऑफ नाउ कि मेरे माइंड में आया कि कुछ पोर्ट्स मेरे को दिख रहे हैं चेक पॉइंट फायरवॉल के, मैं इनके बारे में डिटेल दे दूं जो बेसिक लर्नर है उनके काम आएगा। तो मैं पेन सेलेक्ट कर दूं। ओके सो दोस्तों 1 to 5 जो पोर्ट्स हमारे यूज होते हैं ये लैन और वैन के लिए यहाँ पे यूज होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नीचे मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इट्स दैट मींस कि ये लैन और वैन के लिए यूज होंगे। ओके यहाँ पे मैनेजमेंट लिखा है, तो ये डेडिकेटेड एक पोर्ट इन्होंने मैनेजमेंट के लिए दिया हुआ है। इसमें आप आईपी कॉन्फ़िगर करके आप अपने नेटवर्क से इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी के पर्पज से इन्होंने दिया हुआ है, बट सेम थिंग आप इन पोर्ट्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप किस पोर्ट्स को एज ए मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं। ये आपका यूएसबी 2 पोर्ट दिखाया है दिए हुए हैं यहाँ पे। ये आपके एक्चुअली यूज होते हैं आपके डिवाइस को अपग्रेड करने के लिए, ओके एंड डाउनग्रेड करने के लिए, या आप चाहते हैं कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर हार्डवेयर डायग्नोस्टिक एक टूल रन होता है हमारे चेक पॉइंट फायरवॉल में। तो हार्डवेयर डायग्नोस्टिक टूल रन करने के बाद आप आउटपुट लेके सपोर्ट टीम को देना चाहते हैं, तो उस पर्पज से भी आप ये पोर्ट यूज कर सकते हैं। एंड ये पोर्ट आप सभी अवेयर हैं इस पोर्ट के बारे में, ये सभी डिवाइसेस पे आता है कंसोल पोर्ट। तो कंसोल पोर्ट जो है दोस्तों आपका यूज होता है किसी भी डिवाइस को फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करने के लिए। और यहाँ पे एक छोटा सा एक होल होता है, ये फैक्ट्री डिफॉल्ट यानी आपके फायरवॉल को रिसेट करने के लिए। तो ये एक छोटा सा होल होता है, इसमें आप पिन एंटर करके 5 सेकेंड या 10 सेकेंड, हर डिवाइस का अलग अलग टाइमर रहता है, प्रेस कीजिए। यहाँ पे एक एलईडी लाइट ब्लिंग होगी, जब ये एलईडी लाइट ब्लिंग होती है तो आपका हार्डवेयर बॉक्स जो है रिसेट हो जाता है। तो ये सब गाथा थी इस बॉक्स के बारे में। तो ऐसे चेक पॉइंट के मल्टीपल बॉक्सेस हैं, अलग अलग पोर्ट्स हैं, तो एडवांस लेवल पे जब हम जाएंगे तो पढ़ेंगे उनके बारे में। तो फिलहाल ये बेसिक लेक्चर था, लेकिन मैंने बेसिक लेक्चर में फर्स्ट स्लाइड में ही बिल्कुल कबाड़ा कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों यहाँ पे मैंने एक डायग्राम पेस्ट किया हुआ है। ये गार्टनर एक कम्युनिटी है जो कि एवरी क्वार्टरली एक रिपोर्ट सबमिट करती है कि कौन मार्केट में लीडर है, कौन चैलेंजर है, किसकी मार्केट में वैल्यू ज्यादा है, किसकी मार्केट में सेल सबसे ज्यादा हुई थी, किसकी मार्केट में टेक्नोलॉजीज नंबर 1 पे है, तो ऑल अदर थिंग्स। तो ये एक छोटा सा डायग्राम मैंने गार्टनर की साइट से कॉपी एंड पेस्ट किया है यहाँ पे अपने स्लाइड पे, ताकि आप लोगों को दिखा दूं। तो दोस्तों अगर हम लीडर की बात करते हैं तो चेक पॉइंट फायरवॉल जो है आपका यहाँ पे टॉप 1 पे चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, ये इनकी कंपनी का नाम है और हम शॉर्टकट में चेक पॉइंट फायरवॉल बोलते हैं। तो ये टॉप 1 पे एंड देन पालो अल्टो नेटवर्क। तो अभी मार्केट में इन दोनों के बीच में चैलेंज चलता रहता है, ये एक दूसरे पे भारी पड़ते हैं। तो एशिया मार्केट की अगर हम बात करें तो चेक पॉइंट टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा यूज होती है, एंड यूरोप मार्केट में अभी बहरहाल पालो अल्टो नेटवर्क ज्यादा यूज हो रहा है। ये बाकी अदर फायरवॉल चैलेंजर है, ये किसी जमाने में अपने समय में टॉप पे रहती थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजीज के कारण ये थोड़ी डाउनग्रेड हो गई है। बट वी कांट से दैट कि ये अभी इसी लेवल पर रहेंगी, हो सकता है सिस्को कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आए और वो टॉप पे आ जाए। तो आगे इसमें इस डायग्राम में इतना ही, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके सो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ये चार्ट पेस्ट किया हुआ है, हम केवल इतने एरिया में फोकस करेंगे। यहाँ पे कुछ मिसिंग है जहां तक मुझे दिख रहा है। यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐड कर देते हैं, स्प्लैट। ओके इसके बारे में हम आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों ये डायग्राम दिखाने का इंटेंशन कुछ खास नहीं है,
फायरवॉल, चेक पॉइंट, लाइसेंस ये खुद का यूज करते हैं, प्रोप्राइटरी लाइसेंस है। कॉस्ट ये कैसे अप्लाई करते हैं, ये अपने लाइसेंस के थ्रू कॉस्ट अप्लाई करते हैं। लाइक मुझे फाइव यूजर की जरूरत है जो कि मेरे किसी वीपीएन से कनेक्ट होते हैं, तो मुझे अगर लाइसेंस परचेज करना है 5 यूजर के लिए एट ए टाइम, तो मुझे उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी चेक पॉइंट को। अगर मुझे 25 यूजर के लिए लाइसेंस परचेज करना है तो उसकी कॉस्ट कुछ ज्यादा पे करनी पड़ेगी चेक पॉइंट को। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ब्लेड होते हैं चेक पॉइंट फायरवॉल में, उन्हें अगर आप ऑन करना चाहते हो तो आपको पे करना होता है, लाइसेंस बाय करना होता है चेक पॉइंट सपोर्ट से, एंड देन वो वर्क करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो चेक पॉइंट में इप्सो और स्प्लेट ऑपरेटिंग सिस्टम पहले यूज होता था, लेकिन बहरहाल जो मोस्टली यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम चेक पॉइंट का वो गाया यूज होता है। इप्सो प्लस स्प्लेट को मिला के गाया ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने तैयार किया है, जो कि करंटली मार्केट में सबसे ज्यादा चेक पॉइंट फायरवॉल के साथ आता है। अगर छोड़ो, बाकी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, ये रहे सर्टिफिकेशन जो चेक पॉइंट में होते हैं। बेसिक लेवल पर अगर हम सर्टिफिकेशन करते हैं, सीसी ऐसे होता है, लाइक जैसे हम सिस्को में सीसीएनए करते हैं, कंपेयर भी करते जाता हूं, प्लस ये सीसीएनपी। ओके, तो ये सीसीएसए होता है, एज ए सीसीएनए सीसीएससी होता है एडवांस लेवल पे, और एडवांस पे वीएसएक्स और एमडीएस। तो अगर हम बात करें, पहले मैं डिलीट कर देता हूं सारा ताकि मिक्स ना हो जाए, सिस्को और चेक पॉइंट मिक्स हो जाएगा। ओके, तो अगर हम बात करें सीसीएसए की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है चेक पॉइंट सर्टिफाइड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, और इसकी फुल फॉर्म है चेक पॉइंट सर्टिफाइड सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो बेसिक लेवल पर अगर आपको पढ़ाई करनी है चेक पॉइंट में, तो सर्टिफिकेशन होता है सीसीएसए, एंड एडवांस लेवल पे एक्सपर्ट बनने के लिए सीसीएसई। और अगर हम बात करते हैं वीएसएक्स और एमडीएस की, तो इनकी कहानी कुछ अलग है। वीएसएक्स होता है आपका, दोस्तों बेसिक आइडिया देता हूं, आपका एक फिजिकल बॉक्स है चेक पॉइंट का। आप चाहते हो कि इस फिजिकल बॉक्स में आप मल्टीपल फायरवॉल क्रिएट करें और उन्हें यूज करें, तो ये सॉल्यूशन कहलाता है आपका वीएसएक्स। बेसिक बता रहा हूं, एडवांस में हम आगे पढ़ेंगे। एमडीएस की अगर हम बात करें, दोस्तों आपकी ब्रांच है 50 ब्रांचेस है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और आप चाहते हो कि ये 50 ब्रांच में जो 50 फायरवॉल लगी हुई है, मैनेजमेंट सर्वर लगे हुए हैं चेक पॉइंट के, लाइक .. 50, ये 50 रैंक का है, इन सबको आप चाहते हो कि आप एक जगह एक बॉक्स के थ्रू मैनेज करें, एक मैनेजमेंट चेक पॉइंट मैनेजमेंट सर्वर के थ्रू, तो दोस्तों ये सॉल्यूशन कहलाता है आपका MDS, मल्टीपल डोमेन सर्वर या सर्विस, मैं कंफ्यूज हूं, आप देख लीजिएगा गूगल पे, आई थिंक मल्टीपल डोमेन सर्विस। तो ये आपके समझ में आ गया होगा सर्टिफिकेशन का फंडा, तो अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, ये रहा मेरा सर्टिफिकेशन, मेरे को लगा कि आप लोगों को दिखा देना चाहिए कि आखिर सर्टिफिकेशन कैसा दिखता है अगर आप सीसीएसए का करते हो। तो ये मेरा सीसीएसए का सर्टिफिकेशन है, जो कि मैंने 2015 में किया था, काफी अरसा हो गया है सर्टिफिकेशन को किए, इवन अब तो ये एक्सपायर होने जा रहा है 2017 में। चलो देखते हैं, इसके बाद कुछ नेक्स्ट सर्टिफिकेशन करेंगे, तो ये आप पॉज करके देख सकते हैं क्या क्या डिटेल इसमें होती है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं ताकि ये लेक्चर लेंदी ना हो जाए। ओके दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है किसी भी फायरवॉल की सीरीज को स्टार्ट करने से पहले, कि फायरवॉल एक्चुअली होता क्या है, फायरवॉल में ऐसा क्या एडवांसमेंट होता है कि फायरवॉल वो फायरवॉल कहलाता है। क्योंकि अगर हम बात करें वीपीएन की, अगर हम बात करते हैं किसी भी ऑथराइज्ड पीपल को अलाउ करना या अनऑथराइज को ब्लॉक करना, तो वो काम हमारा राउटर भी करता है, वीपीएन राउटर भी क्रिएट करता है, तो फायरवॉल हमारा है क्या। तो दोस्तों, फायरवॉल वो टेक्नोलॉजी है जो स्टेटफुल इंस्पेक्शन पे वर्क करती है, जो एक स्टेट टेबल क्रिएट करती है, और अगर हम बात ऑथराइज अनऑथराइज पीपल्स को प्रोटेक्ट करने की करें, तो लाइक हम राउटर पे फेसबुक ब्लॉक कर सकते हैं, फेसबुक के अलावा अदर यूआरएल को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें फेसबुक चैट ब्लॉक करना हो और फेसबुक अलाउ करना हो, तो
तो ये एडवांस टेक्नोलॉजीज जो एग्जिस्ट करती है वो हमारी फायरवॉल करती है, तो ये सब काम फायरवॉल पे होते हैं। तो फायरवॉल इज ए एडवांस टेक्नोलॉजीज देन राउटर। तो बाकी आप गूगल पे सर्च कीजिएगा डेफिनेशन प्रॉपर रटने के लिए, और हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये टाइप्स ऑफ फायरवॉल है। तो सीरीज को स्टार्ट करने से पहले पहले बेसिक फायरवॉल के फंडे सीख लेते हैं एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं, बात करते हैं कितने टाइप्स के फायरवॉल होते हैं। दोस्तों टाइप्स ऑफ फायरवॉल की बात करें तो पहले नंबर पे आता है आपका एप्लीकेशन फायरवॉल एंड देन पैकेट फिल्टर फायरवॉल एंड देन स्टेटफुल फायरवॉल। सबसे पहले जो इन्वेंट किया गया था वो किया गया था एप्लीकेशन फायरवॉल, जो कि आपके बेसिक जावा एप्लीकेशन एंड अदर एप्लीकेशन जो आपके लेयर वन पे काम करते हैं उनको ब्लॉक करना होता है। अगर मैं किसी साइट को एक्सेस करता हूँ लाइक facebook.com को एक्सेस करता हूँ, जब वो मेरे वेब पेज में आ जाए तो उसको ब्लॉक करना, ये सब काम, यानी HTTP और HTTPS ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करना, वो आता आपका एप्लीकेशन फायरवॉल पर। इसका लाइव एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। मैं गया स्टार्ट बटन पे, मैं टाइप करता हूँ विंडोज फायरवॉल। ओके, ये क्या, हाँ खुल गया। तो ये रहे इनबाउंड रूल, आउटबाउंड रूल, ये रहा ये सब कुछ, ये अलाउ करना, ये सब काम जो ये हो रहा है, ये सब है आपका विंडोज एप्लीकेशन फायरवॉल का काम, ये सारी हरकतें इसकी है। ओके, एंड देन हम बात करते हैं, पेन सेलेक्ट करना पड़ा, इज ए बिग चैलेंज। ओके, बात करते हैं पैकेट फिल्टर फायरवॉल की। तो दोस्तों ये केवल नेटवर्क लेयर L3 लेयर पे काम करता है, बाकी इसको ट्रांसपोर्ट लेयर से कोई लेना देना नहीं, एप्लीकेशन लेयर से कोई लेना देना नहीं। ये केवल अपने Layer 3 इंस्पेक्शन करेगा कि सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, किस सोर्स को ब्लॉक करना है, किस डेस्टिनेशन को ब्लॉक करना है, ये सब काम ये पैकेट फिल्टर फायरवॉल में होता है। तो ये एडवांस फायरवॉल नहीं है। अगर मैं हैकर हूं, मैं इसको जेन्युइन पैकेट दिखाता हूं, लाइक मेरा सोर्स वही है जिसको ये ऑथराइज समझता है, तो एंटी स्पूफिंग का जो फंडा है, मैं एंटी स्पूफिंग के थ्रू अपने पैकेट का लेवल चेंज करके मैं अटैक करता हूँ इनके फायरवॉल पे, तो ये तो मुझे अलाउ कर देगा, कहेगा कि ठीक है आप जाइए, क्योंकि ये केवल लेवल पड़ेगा। अंदर जाने के बाद मैंने एप्लीकेशन पे अटैक किया, मैंने इनके जावा सर्वर हैक किए, ये सब कुछ किया, तो ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, तो ये फेल हो गया। अब आया स्टेटफुल फायरवॉल टेक्नोलॉजीज। तो मजे की बात यह है दोस्तों कि स्टेटफुल जो टेक्नोलॉजीज जिस फायरवॉल पे सबसे पहले अप्लाई हुई थी वो थी चेक पॉइंट। तो ये इन्वेंशन भी आपके चेक पॉइंट फायरवॉल ने किया था, स्टेटफुल इंस्पेक्शन। चेक पॉइंट ने इंस्पेक्ट इंजन के नाम से इस टेक्नोलॉजी को नाम दिया था, इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट इंजन के नाम से इन्होंने टेक्नोलॉजी को नाम दिया था और स्टेटफुल को सर्च किया था। तो स्टेटफुल इंस्पेक्शन में क्या होता है, आपका ये चेक करता है सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। ये चेक करेगा जब आपका पैकेट इनिशिएट होता है आपके नेटवर्क से बाहर की तरफ। अब जब पैकेट का रिप्लाई आएगा तो ये रिप्लाई आने पर डायरेक्ट उसे अंदर नहीं जाने देगा, ये चेक करेगा अपना स्टेट टेबल, क्या ये पैकेट जो रिप्लाई में आया है क्या इसकी मेरे स्टेट टेबल में एंट्री है। अगर उसकी स्टेट टेबल में एंट्री होगी और उसे अलाउ किया होगा तो वो अलाउ होगा, ब्लॉक किया होगा तो ब्लॉक होगा। लेकिन अगर किसी फायरवॉल को कोई ऐसा पैकेट मिलता है जिसकी स्टेटफुल यहाँ पे स्टेट टेबल में एंट्री नहीं है, तो और उसे ये पैकेट रिसीव होता है, तो वो रूल चेक करेगा कि मुझे इसे अलाउ करना है या नहीं करना है। तो एंटी स्पूफिंग का जो फंडा था यहाँ पे वो फेल हो गया, यानी एंटी स्पूफिंग के थ्रू, एंटी स्पूफिंग को यूज करके आप अटैक नहीं कर सकते हो अपने फायरवॉल पे। तो स्टेटफुल क्या करता है, आपका सोर्स डेस्टिनेशन ये सारे पैकेट को की एक स्टेट टेबल क्रिएट करता है, और जब भी उसे वो पैकेट रिसीव होता है रिप्लाई में तो वो अपने स्टेट टेबल से मैच करता है एंड देन अलाउ करता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अदर फायरवॉल की अगर हम बात करें तो दोस्तों आजकल न्यू एक सॉल्यूशन आया वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, ये एडवांस आपका HTTP और HTTPS इंस्पेक्शन करता है। तो एडवांस लेवल पे इंस्पेक्शन के लिए इस फायरवॉल का यूज हुआ है। एंड सैंडबॉक्स, सैंडबॉक्स की अगर हम बात करते हैं, एक मिनट दोस्तों, ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है। ओके,
सैंडबॉक्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये क्या करता है, इस पे मल्टीपल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम मींस इसमें लिनक्स भी वर्क करेगा, इस पे आपका विंडोज भी वर्क करेगा, ओके, एंड इस पे आपका एप्पल का जो ओएस होता है सारा कुछ, तो ऐसे ही ये मल्टीपल 120 से 150 तक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर रन होते हैं। तो लेट सपोज मैंने एक MP3 सॉन्ग भेजा, उसमें मैंने वायरस ऐड किया, जनरली फायरवॉल क्या करेगा, वो चेक करेगा अपने स्टेटफुल टेबल ये वगैरह और अलाउ कर देगा। अब MP3 के अंदर क्या है वो फायरवॉल नहीं देख सकता, तो सैंडबॉक्स क्या करता है, जब भी इसे MP3 या कोई वीडियो MP4 या डॉक या किसी भी फॉर्मेट में इसको कोई भी अटैचमेंट मिलेगा, तो ये सबसे पहले अपने वर्चुअल सिस्टम पर रन करेगा। लाइक अगर वो पैकेट लिनक्स से रिलेटेड होगा तो ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करेगा। विंडोज का मैंने कहा कोई MP3 सॉन्ग या कुछ MP4 भेजा तो वो विंडोज पर रन करेगा। एप्पल से रिलेटेड कोई OS होगा या कोई भी अटैचमेंट होगा तो एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करेगा, इसमें जो वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। उसके बाद वो बिहेवियर चेक करेगा कि उसका बिहेव क्या है, अगर वो हैकर के थ्रू भेजा हुआ कोई वायरस या कुछ हैकिंग का कुछ होगा उसमें आईटीएम, तो वो सैंडबॉक्स उसे कैच कर लेगा, क्योंकि बिहेवियर तो वो बिहेवियर चेक करता है, एंड चेक करने के बाद वो उसे ड्रॉप कर देगा और एक मेल जो है यूजर को सेंड कर देगा कि आपके अटैचमेंट में ये प्रॉब्लम थी एंड देन आई हैव ब्लॉक इट। तो ये सब एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, ये हम आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे समझेंगे। तो अपने स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आई थिंक स्लाइड सभी खत्म हो चुकी हैं। तो दोस्तों ये अपने सीरीज के लास्ट में हम एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन है कि विल स्टेटफुल फायरवॉल क्रिएट एंट्री फॉर यूडीपी कनेक्शन इन इट्स स्टेट टेबल। तो आप दिमाग लगाइए, स्टेट टेबल कैसे वर्क करता है, स्टेटफुल फायरवॉल कैसे वर्क करती है, एंड देन आप हमें कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिएगा। और ये इंटरव्यू में पूछा जाने वाला मोस्टली क्वेश्चन है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर कमेंट कीजिएगा। एंड आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, हमारा पेज है नेटवर्क सील के नाम से, यहाँ पे आप कोई भी आपको डाउट है या कोई भी क्वेश्चन, कहीं पे भी आप स्टक होते हैं चेकपॉइंट फायरवॉल पे, इवन आप इस सीरीज को ना देखें या फिर भी आप कहीं पे स्टक होते हैं, तो आप हमें वहां पे पोस्ट कर सकते हैं अपने इश्यू या जो भी आप फेस करेंगे। और हमारी वेबसाइट है networkseelacademy.com के नाम से, आप यहाँ पे विजिट कीजिए और आपको वीडियोज लेक्चर यहाँ पे भी मिलेंगे। ओके, सो दोस्तों दुआओं में याद कीजिएगा। धन्यवाद भाई।